ठीक हाँ लास्ट क्लास में हम टॉपिक कौन सा कर रहे थे? बांग्लादेश कवर कर लिए थे और बांग्लादेश का एमसीक्यू भी हमने कवर कर लिया था और आज हमें श्रीलंका डिस्कस करना है। जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का अन अकेडमी पर स्वागत है और हर वेडनेसडे को अन अकेडमी एक नए बैचेस शुरू करता है। उसी प्रोसेस में हम 15 दिसंबर को सभी टॉप एजुकेटर्स को मिला करके बहुत सारे बैचेज स्टार्ट कर रहे हैं। आप अपने टारगेट के हिसाब से हमारे बैचेज को ज्वाइन कर सकते हैं और आज अनअकैडमी का 6 साल पूरा हो गया। तो 6 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 1 साल का कोर्स आप परचेज करते हैं तो 6 महीने का कोर्स आपको फ्री मिल जाता है। और संडे संडे आप फ्री कोर्सेज का भी ऑप्शन आप हमारे ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको 40 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और टॉप 3 में आते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि जब मैं टॉप 3 में आ जाऊंगा तो फिर मुझे ज़रूरत क्या होगी स्कॉलरशिप की या कोर्स की ज़रूरत क्या होगी, तो ये आप अपने भाइयों के लिए यूज कर सकते हैं या और इम्प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ? हाँ, टॉप 3 में आएंगे तो 100% स्कॉलरशिप है, उसके बाद कम आएंगे तो उसके हिसाब से आपको मिलता चला जाएगा। 1 करोड़ आपको नहीं मिल रहा है, 1 करोड़ रुपए का कोर्स दिया जा रहा है टोटल। तो ये हाँ, तो आइए आगे हम शुरू करते हैं। पहला कंट्री जो आज हमें डिस्कस करना है कौन सा है? श्रीलंका है। कई बार क्वेश्चन आता है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो श्रीलंका का पुराना पुराना नाम सियोल है या शिलोंग। सिंगल द कहीं दिखा है सिलोन, तो लिख डालिए ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका इज सिलोन। और सिलोन के बाद क्या बना था इसका? लंका। और लंका के बाद ये बना श्रीलंका। तो श्रीलंका कब बना? तो 1978 में ये श्रीलंका बन गए। और श्रीलंका कब बना था? 1972 में। और टिल 1972 हम क्या थे? सिलोन थे। राउंड के टाइम पे सिलोन जानते थे हम और आप समझ पाए इसके लिए वहां पे रामायण में लंका वर्ड यूज किया जाता था, क्योंकि उस समय जब रामायण बना था तो लंका ही था, है ना? नहीं तो अब होते श्रीलंका बोलते यदि अब रामायण बनता तो। और हमारे लगभग इस भारत और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है उसका नाम तो आप बचपन से जानते ही हैं, पाक स्ट्रेट है। लेकिन आज हम कुछ पढ़ेंगे, वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट हो गया। भारत सरकार कुछ बनाना चाहती है लेकिन श्रीलंका भारत सरकार लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखे उसको नहीं बना पा रही है, लेकिन तमिलनाडु के सीएम ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया कि राम जी का अस्तित्व तो नहीं है, ऐसा कहते हो तो भी देख लेंगे क्या है। एथिस्ट नहीं है वो, इकोनॉमिक्स के पॉइंट व्यू से ऐसा कह रहे हैं। तो प्रश्न है कि उनकी कैपिटल क्या है, ये लास्ट ईयर का आपके एग्जाम का क्वेश्चन है।
तो इनका जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो तो है जयवर्धन पूरा कोट्टे, और जो दूसरा कैपिटल बोल लीजिए या इकोनॉमिक सेंटर ऑफ कॉमर्स बोल लीजिए क्या है, कोलंबो। तो दोनों बातें लिखी। गुड इवनिंग सर, स्ट्रेटेजी जीके की बुक कब तक आ जाएगी? एनटीपीसी का एग्जाम है सर, प्लीज। पूरी टीम लगी हुई है आपको बुक देने के लिए, मंडे तक हम शायद प्रिंट होने के लिए भेज देंगे। हाँ 10 दिन लगता है। नहीं 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 निकलने देंगे, इस महीने के पहले आने देंगे, अभी 10 तारीख है। और आप ध्यान रखिएगा एग्जाम उसी डेट को होगा, पहले बता रहे। हाँ क्योंकि कल SBI का डेट आया, नोटिफिकेशन आया, और 23 जनवरी था मेरे पास डेट, 23 जनवरी को ही है, जबकि हाँ। तो NTPC का तो चलो आपके माइंड में आया से ऐसे तुक्का मारा होगा सर ने, हो गया होगा, लेकिन जब कल हमने देखा कि मुझे भी आइडिया नहीं था कि 10 दिसंबर को नोटिफिकेशन और 23 जनवरी को उसका एग्जाम हो जाएगा, तो वो हम सही हैं, तो इसका मतलब वो सही है सब कुछ, तो इसलिए आप अपना 100% मान के चलिएगा। जयवर्धन पूरा कोट्टे इसका राजधानी है, लेजिस्लेटिव कैपिटल ही जनरली पूछा जाता है सामान्यतः, विधायिक राजधानी। और ये हमारे सिर्फ 30 नॉटिकल माइल की दूरी पर है, तो हमने कहा श्री जयवर्धन पूरा कोट्टे लेजिस्लेटिव और कोलंबो एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी या इकोनॉमिक कैपिटल, कार्यपालिका राजधानी या न्यायिक राजधानी या इकोनॉमिक कैपिटल कोलंबो, और लार्जेस्ट सिटी इज द कोलंबो, ये भी आता रहता है इस तरीके के क्वेश्चन। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं श्रीलंका श्रीलंका से, तो आपको आश्चर्य होगा कि वहाँ के ट्राइब तब का पूछा है कि ये ट्राइब कहाँ पाई जाती है। ऑफिशियल लैंग्वेज इनका सिंगली, ऑफिशियल लैंग्वेज सिंगली या सिंगला जो भी कहना है कह लीजिए, सिंगली बेसिकली ये लोग यूज करते हैं। सिंगली और तमिल के बीच डिस्प्यूट चलता रहता है, सिंगली वहां के ओरिजिनल है, और तमिल जो हमारे तमिलनाडु वाले हिस्से से जो अंग्रेज उनको लेकर चले गए एज ए सर्वेंट, और इस तरीके से धीरे धीरे वो लोग वहीं पर बस गए। इसी के इनके साथ तमिल लोगों को बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, तो इसी अधिकार के लिए इन्होंने एक आतंकवादी ग्रुप बनाया था जिसको लिट्टे कहते थे, अब जाके फाइनली वो इनका समापन हो पाया। अभी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे राजीव गांधी की मृत्यु कैसे हुई थी, थोड़ी बहुत बताया था बीच में हमने एक दिन, जिस दिन हम आंदोलन बता रहे थे मिशन ऑपरेशन। हाँ इस पर मूवी भी है, क्या नाम है, मद्रास कैफे भी है और एक और भी है जिस जॉन अब्राहम किसमें थे, मद्रास कैफे में वही। एथनिक ग्रुप कौन सा इनके पास, सिंगली सबसे ज्यादा है, और दूसरे नंबर पे श्रीलंकन तमिल है, तो एथनिक ग्रुप यानी नस्ली समूह सबसे ज्यादा सिंगली। चलो अब जैसे ये पूछा था बिद्दाज कहां पर है, आज मिलेगा भी आपको क्वेश्चन, तो अभी हम ऐसे क्वेश्चन को ध्यान नहीं दे पाते हैं, कैसा भी क्वेश्चन पूछ लेगा। मतलब आपको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तब जाके बात बनेगी। सबसे ज्यादा किस धर्म को मानने वाले हैं यहाँ पर, बुद्धिस्ट हैं, और कट्टर बुद्धिस्ट हैं, अभी वहां पे लड़ाई चल रही है सेकुलरिज्म को समाप्त करके बुद्धिज्म को अनाउंस करने के लिए, और जब से ये बांग्लादेश में वो सॉरी म्यांमार में वो नहीं रोहिंग्या जाए तब से, और उन्होंने बौद्धों के साथ जाति की, तो उसके बाद अभी वहाँ का कोई ग्रुप भी बना है जिसको रिपोर्ट करना है कि क्या करें, सेकुलर रहने दें या बुद्धिज्म को प्रमोट करें, और जिसका जो इसका हेड बनाया गया कोई बुद्धिस्ट ही है, क्योंकि दोनों भाई जो अभी वहाँ पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं वो बहुत वो खुद बुद्धिस्ट हैं, ये हैं। अभी आ जाएगा नाम अगले पेज पे। गवर्नमेंट कैसी है, यूनिटरी है, यूनिटरी का मतलब होता है एक फेडरल होता है एक यूनिटरी होता है, तो इनके वहाँ फेडरल नहीं है, यूनिटरी है, एकात्मक है। प्रेसिडेंट कौन है, गोटाबाया राजपक्षे, और प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे, छोटा भाई राष्ट्रपति है, बड़ा भाई प्रधानमंत्री है।
घर में ही सारा नियम कानून बन जाता होगा। हाँ, लिखने की जरूरत नहीं है, ये चेंज होता रहता है। बस हालांकि इस बार पूछा था, कल परसों आपके QIB में था कि जनवरी 2021 के में श्रीलंका का राष्ट्रपति कौन है, शायद यह आ जाएगा एक दो दिन में QIB में आपके। लेजिस्लेचर का नाम इनके पार्लियामेंट ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, संसदीय। इनके पार्लियामेंट जब जहाँ पे यूनिटरी सिस्टम होगा, एकात्मक होगा, वहाँ ऑटोमेटिक यूनिकैमरल हो जाएगा। फेडरल में ही बाइकैमरल होता है, पॉलिटी में हमने साथ पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया तो पढ़ाएंगे आगे। तो ऑटोमेटिक इनके पास यूनिकैमरल है, यूनिकैमरल का मतलब होता है एक सदन। तो कितने मेंबर हैं उसमें साथियों, 225, जिसमें से 196 तो डायरेक्ट हैं और 29 प्रोपोर्शनल मेथड से हैं। तो ये लिखना है दोनों बातें, 225, 196 बाई डायरेक्ट एंड 29 बाई प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इनडायरेक्ट मेथड, अप्रत्यक्ष विधि से चुने जाते हैं। और इनके मेंबर्स को भी जनरली हम 5 साल के लिए इलेक्ट करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये एक्सेप्ट करना शुरू करिए कि हाँ ये भी सिलेबस है। हाउ मेनी प्रोविंसेस दे हैव? 9 प्रोविंसेस एंड 25 डिस्ट्रिक्ट। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि कुल कितने प्रांत हैं। अभी आपको दिखेगा क्वेश्चन तो आपको दंग रहेंगे कि इतने टफ क्वेश्चन आते हैं। नाइन तो प्रोविंस इन्हें प्रांत, और 25 जिले। कैसा है इनका आकार? तो ऐसा बोलते हैं आंसू की तरीके से है। इतना तो ऑप्शन में निकम्मा एलिमिनेट कर लेगा। इनको भी अंग्रेजों ने गुलाम बनाया हुआ था। तो ये डोमिनियन कब बने, रिपब्लिक कब बने और करेंट कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, तीनों डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। डेट याद होना हो, ईयर याद होना जरूरी है। इन्हें हमारे बाद ये डोमिनियन बने हैं, और काफ़ी दिनों बाद जब ये जब इनका नाम लंका बना है तो ये रिपब्लिक बने हैं, है ना? और जब ये श्रीलंका बने हैं तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा। डोमिनियन स्टेट स्थित हुए कैसे? रिवर से हुए, सिंचाई के लिए, पीने के लिए। तो इस तरह तो हमने कहा हाईएस्ट पॉइंट क्या है इनका, पिद्रुत गल्ला, और हाईएस्ट रिवर कौन, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, महावेली। हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, तो बारम्बकंडा फॉल। और हाईएस्ट लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, विलपट्टू नेशनल पार्क। विलपट्टू नेशनल पार्क लिख लिए चारों पॉइंट। चलो देख लीजिए, ये रिवर थी सबसे जो लंबी थी, महावेली, कालिनी रिवर इनके पास, कुल्लू रिवर है और वालवायर रिवर है, और ये हाईएस्ट पॉइंट था। नहीं, अब ये हर जगह पे ऐसे ही लिखा जाएगा कि सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है वो है, तो ऐसे मानना नहीं है। चलिए, नेशनल बर्ड, जंगल फाउल, जंगल फाउल, नेशनल फ्लावर ब्लू वाटर लिली। कल उनका भी शायद ऐसे ही था, वाटर लिली था लेकिन इनका ब्लू वाटर लिली। नेशनल ट्री आयरन वुड, उनका नेशनल गेम क्या था, कबड्डी, इनका क्या है, वॉलीबॉल। नेशनल एंथम श्रीलंका माता, इसी हम लगभग सारे ही मदरलैंड बोलते हैं। चाइना में भी मदरलैंड ही है। लिख दिए,
पता नहीं, किसी ने यूट्यूब पे वीडियो बना दिया गया है। हाँ वही बना दिया होगा वीडियो, 2-2.5 लाख लोगों ने देख भी लिया होगा। ट्रैफिक लाइट भी नहीं जल रहा है। अच्छा लिख दिए, नेशनल बर्ड एनिमल। अब याद रखना है कि राम जी ने गिलहरी के हाथ पर नहीं, गिलहरी पे 3 निशान बने होते हैं, तो बताते हैं कि राम जी ने उनके शरीर पे उंगली रख दिए थे, कुछ उनका मदद किया था इन्होंने, वो पत्थर पहाड़ पत्थर डाले थे जब जाना था पुल बनाने के लिए, तो उसमें आशीर्वाद दिया था। नहीं इसके बारे में तो है नहीं, ये दूसरे साइड रही हो गया, ये इसने सहयोग नहीं किया। गिजार्ड गेंट स्क्वेरल गिलहरी, जंगल फॉल देख लो। कौन सा मुर्गा पाल रहे हैं धोनी? कड़कनाथ, कुछ ऐसा ही होता है वो भी। हाँ ब्लू वाटर लिली, आयरन वुड, वॉलीबॉल, जैक फ्रूट। कटहली है। फर्स्ट पीएम डॉन स्टीफन, सेना नायक के फर्स्ट प्रेसिडेंट, लिखना है तभी दिया है। फर्स्ट प्रेसिडेंट विलियम गोपालवा, ये यूपी बिहार में होता है ना, तो वैसे ये बार बार आता रहता है जीके के पॉइंट व्यू से, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो आप बताते हैं बंदर नायक, ये हम पढ़ी चुके हैं, 225 है, प्रोविंस 9 है, इंडिपेंडेंस 48 में मिला था भारत और श्रीलंका के बीच, पाक स्ट्रेट है, हाईएस्ट पीक पढ़ी चुके, हाईएस्ट लेक नहीं पढ़े। काला बेवा रिजर्वियर, हाँ, 2 से 3 बार करोगे अपने आप आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने की क्षमता। नहीं कोई तुरंत तुरंत नहीं, जैसे टारगेट देते जाएंगे आप करते जाएंगे। अब जैसे ही बुक आएगी तो आपका डेली का तीन तीन दो दो टॉपिक रहेगा, सैटरडे को टेस्ट हो जाया करेगा। 46 के आसपास है। स्टैटिक ही मैंने, आप पेपर तो देखो उठा के टीसीएस का, कोई सा भी सेट उठाओ 25 में देखो कितना स्टैटिक आपको समझ में आ जाएगा। यदि किसी एक सब्जेक्ट से 16-17 टॉपिक आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। लैंग्वेज सिंगली आपने पढ़ी लिया था, लॉन्गेस्ट रिवर आपने महावेली पढ़ी लिया था, या कुछ और था वहां पे, महावेली था या गंगा गंगा डाल के कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ इंडिया श्रीलंका के बीच कौन सा डिफेंस एक्सरसाइज होता है? मित्र शक्ति, बांग्लादेश संपत्ति और चाइना के साथ हैंड इन हैंड। लिख दिए, चल बस क्लास में छोड़िएगा, कई बार लगेगा कि यार ये तो बाद में पढ़ ही लेंगे, ये गलती नहीं करिएगा, बात कभी नहीं आता है। हाईएस्ट अवार्ड जैसे हमारा भारत रत्न है, इनका श्रीलंका रत्न है, और भारत की तरफ से एन रमन ने इसको रिसीव किया था, तो ये कोई जरूरत नहीं है। हाईएस्ट वाटरफॉल आप लिख ही चुके हैं, रिपब्लिक डे 1972 में आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, हाईएस्ट लार्जेस्ट सिटी कोलंबो पढ़ चुके हैं, करंट कॉन्स्टिट्यूशन 1978 पढ़ चुके हैं, एरिया और पॉपुलेशन वाइज कोई जरूरत नहीं है। 2009 में फाइनली इन्होंने लिट्टे को समाप्त कर दिया, और फेस्टिवल इसमें से भी एक आ चुका है, इस साला पंचम
पैराथेरा, थाई पोंगल, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि भी है इनके वहां, क्या दिक्कत है, वहां हिंदू भी तो है। हाँ है? तो उसमें श्रीलंका का ऑप्शन नहीं था ना भाई। अभी आएगा कौन सा है इनका फेस्टिवल। हाँ लिख लीजिए, इसाला परिहारा और थाई पोंगल। डांस, कादियान डांस, कंदेन डांस और सबरा गमुआ। नहीं, इनके पास तो बहुत डांस है, तो दो मेन दे दिया गया। हर कल्चर में डांस होता है। आज अरविंद आप फाइनल करके दे दीजिए, क्योंकि आज एक और 22 फेरी क्या जुड़ गया, क्या मैंने बोला था, रामसर साइट, एक और आज जुड़ गया यूपी का। यूपी में अब 9 हो गए रामसर साइट। फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ श्रीलंका इज रावण वन। इनके लिए रावण पूजनीय है। जैसे पाकिस्तानी जो सैटेलाइट और लाइट का नाम रखते हैं तो क्या रखते हैं, गजनी गोरी, क्योंकि उनको लगता है कि गजनी और गोरी ने भारत पे हमला किया था। मूर्खों को ये नहीं समझ में आता, वो भी भारत के हिस्से थे उस समय, बल्कि उसी हिस्से पे हमला करता था। तो ये फर्स्ट लीडर इन द वर्ल्ड टू विजिट श्रीलंका आफ्टर ईस्टर अटैक, नरेंद्र मोदी। ये हटा देना, बुरका पब्लिक प्लेस पे इन्होंने भी बैन कर रखा है। पोर्ट टू चाइना, वेस्ट में इंडियन ओशियन, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। और अशोक ने ही वहाँ बौद्ध धर्म भेजा था अपनी पुत्री संघमित्रा और महेंद्र के थ्रू। हाँ, और चाय के प्रोडक्शन में भी इनका ठीक पोजीशन है। शायद नंबर वन यही है, नहीं चाय नंबर वन अपन लोग हैं। और बिरला ग्रुप के बारे में हमने पढ़ ही लिया था, नाम के मेंबर हैं, सार्क के मेंबर हैं, आईएमएफ के मेंबर हैं, आसियान के मेंबर हैं। ये हमने पढ़ा था कि लिट्टे जब दिक्कत करता था, भारत के राजीव गांधी ने पार्टिसिपेट किया, और इस बात से श्रीलंका के लोग नाराज हो गए, और उसी के साजिश का नतीजा हुआ कि उनकी हत्या कर दी गई। और ये हमने पढ़ा था, उन्होंने एक सेना ऑपरेशन पवन और कई सारे, हमने 3 ऑपरेशन बताए थे आपको। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इनके बीच हमारा 1998 में हुआ है। हाँ, सी बॉर्डर जनरली डिफाइन नहीं हो सकता, नहीं तो ऐसा कहते हैं कि कोई देश है तो उसका 12 नॉटिकल माइल तक उसका कंट्रोल होता है वहां पर। आगे वाला वर्ल्ड का होता है, वर्ल्ड बैंक का, मतलब पूरे विश्व का। और मान लो 12 नॉटिकल माइल से बीच में कोई देश आ गया, तो दोनों के बीच में 50-50 बढ़ जाता है। तो कई बार क्या होता है, मछुआरे पता नहीं चलता और पार कर जाते हैं, तो ये उनको बंधक बना लेते हैं। कई बार इनके वाले हमारे वहां आ जाते हैं, हम इनको बंधक बना लेते हैं। तो कुछ खास अवसर पे वो हमारे मछुआरों को छोड़ देते हैं, हम उनके मछुआरों को छोड़ देते हैं। तो यही कुछ कह रहे हैं कि ये हमेशा एक डिस्प्यूट का मुद्दा बना रहता है। मैक्सिमम जो भी सी एरिया पे रहेगा वो रहेगा रहेगा। हाँ, अभी क्या हो रहा है कि किसी भी सी को इधर से घूम के जाना पड़ रहा है, तो सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं हम कि हम यहां से बना लेंगे। तो बता रहे हैं कई 100 किलोमीटर का बचत होगा, पेट्रोलियम बचेगा, टाइम बचेगा, और तमिलनाडु को एक बड़ा रोजगार का, इनकम का माध्यम मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग का कहना है कि जो राम जी के द्वारा जो पुल बनाए गए हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, ये हमारी आस्था का विषय है। तो इसी मुद्दे पे श्रीलंका के सीएम ने कहा कि राम का कोई वस्तु से मतलब प्रेजेंस है ही नहीं, और इस तरीके के अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। तो फिर विवाद बढ़ गया, और विवाद बढ़ा तो सरकार को फिर वापस इस मुद्दे पर शांत हो गया कि रहने तो अभी बाद में बनाएंगे। तो आपसे कभी पूछे सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट क्या है,
या क्या कंट्रोवर्सी है, तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम इसको, ये हमारा प्रपोज्ड है, अभी इतना हमें घूम के जाना पड़ रहा है, तो ये हमारे लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। हैं? नहीं, कहीं नहीं जुड़ा हुआ है। नहीं समझे, तुम उस मंदिर में कभी पूजा करने नहीं जाओगे, लेकिन कोई तोड़ेगा तो तुमको दुख नहीं होगा, कैसे मैं राम जी का मंदिर तोड़ दोगे, तो वो वाली बात है। तो आस्था श्रद्धा उसका, आप यदि दिल्ली में गए हों तो बीच में हनुमान जी की मूर्ति आती है करोल बाग, तो उसको वो मूर्ति ना डिस्टर्ब हो इसके लिए 1.5 किलोमीटर का कर्व किया गया मेट्रो को, उसमें लगभग 100 करोड़ के आसपास खर्च हो गया। तो जबकि हनुमान जी को हम पीछे आगे कर सकते थे, उन्होंने कहा जी मेट्रो खत्म कर देंगे, हनुमान जी जहाँ हैं वहीं रहेंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं यार, 100 करोड़ ज्यादा लगा तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्प्यूट नहीं चाहिए। हाँ, एक तो ये है, दूसरा ये आता है कि ये आइलैंड किसके किसके बीच डिस्प्यूट का मुद्दा बना हुआ है। तो ये भारत ने दे दिया है श्रीलंका को ऑलरेडी, लेकिन तमिलनाडु के लोग इससे थोड़े नाराज हैं, क्योंकि ये यहाँ पर ये एक आइलैंड था जिसे 1974 में भारत ने उनको दे दिया, और श्रीलंका ने इसे एक चर्च के लिए फेमस प्लेस घोषित करके और वहाँ पर धार्मिक स्थल की स्थापना कर दी। तो केंद्र सरकार ने जब इनको दिया है तो उसके बाद श्रीलंका या जो तमिलनाडु के लोग हैं इसका विरोध करें, तो ये वर्ड लिख लो कचत थेवु आइलैंड गिवन टू श्रीलंका इन 1974 एंड इट इज अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट, इट इज सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में अवस्थित है। तो जो यहाँ के हैं, हम हमेशा विवादों से बचने का प्रयास किए हैं एज ए बड़े भाई। तो ले लेंगे, ऐसा कौन सा दिक्कत है, दूसरे दूसरे को देखें। जब तुम अपनी कमाई से नहीं कुछ लाओगे और अचानक मिल जाएगा तो तुम किसी को भी दे दोगे। हाँ बिल्कुल गलत बात है, तुम जाके चाइना को धमकाओ। अब एक बार श्रीलंका से रिलेटेड एमसीक्यू देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि एग्जैक्टली कितने टिपिकल क्वेश्चन हो सकते हैं। अब ये आसान क्वेश्चन था, ये तो बच्चे बच्चे ने कर लिया होगा, नहीं? तो आपको पता है इसलिए आप कर गए। इसका दूसरा मतलब ध्यान से देखो, यदि कहीं पे मैंने लिखा है कि ये इतना परसेंट इतना परसेंट इतना परसेंट, तो ये शुरू का सिर्फ 2 लिखने से बात नहीं बनेगा, एक नजर आपको बाद वाला भी देख के रखना होगा। जो हमने सोर्स उठाया है जहां से भी वहीं से आता है, अभी देखना एक आधे क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो नहीं मिलेगा, अदरवाइज 99% हम पा जाएंगे। अब ये हम श्रीलंका पढ़ रहे हैं तो नो डाउट श्रीलंका ही होगा, तो लिख लो, ये 2 बार आ चुका है क्वेश्चन। अब ये पढ़ाया भी नहीं जा सकता, ये किसी देश का पूरा कल्चर पढ़ाया जाए तो वो इम्पॉसिबल है। सिगरिया भित्ति चित्र और दाम्बुला गुफा, दाम्बुला केव एंड फोर कोशिश सिचुएटेड इन फाउंड इन श्रीलंका। अब देखिए लिट्टे में टी क्या है, इसका आंसर भी नहीं दिया इन्होंने।
तमिलीलम, क्या फुल फॉर्म बोलता है इसका? ये अच्छा क्वेश्चन है। LTTE फुल फॉर्म लिख लो तो, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, लिखा तो है फर्स्ट ही, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, तो क्या होगा? पहले टी का टाइगर, दूसरे टी का तमिल एलम, लिबरेशन। देख रहे हैं क्वेश्चन खतरनाक, कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं वो ऐसे पूरा याद रहेगा तब तो नहीं कंफ्यूज होंगे। हाँ नॉर्मल, जैसे अब मैं ही कंफ्यूज हो गया, ये मुझे याद था कि इलम है लेकिन लिबरेशन वाला है, तमिल वाला है, पाक स्टेट तो आप तो कर ही लेंगे, तो बचपन से पढ़ रहे हैं। कहाँ पर? पाकिस्तान से। ये तो उस समय का करंट है, इसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये आप पढ़ रहे हैं तो श्रीलंका है, ये अपनी बुक में इस तरीके के मिल जाएंगे। हर टॉपिक के बाद हमने क्वेश्चन डाल दिया। तो आसान है, ये आया हुआ क्वेश्चन है जो भी दिखा रहा हूं। प्रेसिडेंट पूछा गया है, गोटाबाया राजपक्षे, दोनों तो दे रखा है। हाँ प्रेजेंट पूछ रहा है, प्रेजेंट पूछ रहा है, फरवरी 2020 तक कौन है ऐसा? जैसे इनके में पूछा फरवरी 2020 और अभी कोई एग्जाम होगा उसमें पूछा जनवरी 2021 में कौन है, अभी जस्ट हुआ है जो किरी बात, ये नेपाल का है सर, नेपाल है ऑप्शन में, लेकिन यहाँ श्रीलंका है, लिख दो किरी बात, जनरली करी बात, कोई बोल रहे हैं किरी बात। ये बुक में मैंने डाल रखा है किसका किसका कौन सा फूड है, कौन सा ड्रेस है, ये डाला हुआ इसमें नहीं था। समझ रहे हैं सिलेबस कितना है? आप पढ़ लीजिए कितना दिन भर किसी मिस्टर एक से मिस्टर वाई से हिस्ट्री और ज्योग्राफी, और वो हिल जाए तो बता दीजिएगा। लार्जेस्ट सिटी ये भी पढ़ा था हमने, कन्यान डांस था वहां पे, नहीं लिखे थे तो लिख लीजिएगा, लिख दिए ना। और ये नहीं कि मैंने इसको देख के बनाया, वो बना हुआ है, ये आया है बाद में। अभी पढ़े थे आप, एस भंडार नाई के बोलते हैं, फोटो याद ही रहेगा। समझ पा रहे हैं? यानी आप ठीक पढ़ रहे हैं। ये सब आए हुए क्वेश्चन है, एक भी अपना क्वेश्चन नहीं है। इनमें से तो कोई था ही नहीं। माउंट पेड्रो था? नहीं था, उसका दूसरा नाम हो सकता है। ऑल्सो नोन एज माउंट पेड्रो एरो ऑफ सी लेवल था बिहाइंड द टाउन, वही है जो हमने लिखा था वहीं पे, उसको माउंट पेड्रो भी कर देना, पेड्रो था ऐसे कुछ करके। यस तो एक कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, यस पढ़ेंगे टॉपिक तो हो जाएगा, ये तो बच्चा बच्चा कर देगा। नहीं अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। अब गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, कॉम्बे आपको पता होगा कहाँ पे है, तो बच कौन सा गया? मन्नार।
अभी पढ़े थे ये। नाइनटीन सेवेंटी नाइन, हमसे जस्ट पहले वाला। था यही, देख लो क्वेश्चन कैसे आते हैं, बल्कि ऐसे लग रहा है हमारे नोट से बनाया गया है। और ये कोई मत सोचना कि पहले क्वेश्चन देख के बनाया गया, ऐसा नहीं है। क्यों, मुझे पता है सोर्स कहाँ से ये यूज कर रहे हैं। अभी ये नहीं पढ़े थे तो लिख लीजिए, था ये। चलो ठीक है फिर तो। हाँ, चाइना को दे दिया, यस, ये भी था। इन एक एक लाइन आपको ठीक से पढ़ना होगा। जब तुम में से कोई निकम्मे बोल देंगे पुराने वाले जो मेंस वाले हैं, अरे कुछ नहीं आता है, ये पुराने बुक में से ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन जब उठाओगे तो वही सब क्वेश्चन आता है। लेकिन जब आदमी पढ़ा रहेगा तब तो बताएगा कि हाँ आया है नहीं आया, नहीं पढ़ो तो हाँ कुछ भी नहीं आता है। बेसिकली कल मुझे बांग्लादेश का भी इसे लेना था, आज मुझे याद आ गया कि बांग्लादेश का श्रीलंका के ले लेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कल हमने जो बांग्लादेश के दिखाए थे वो आए हुए क्वेश्चन नहीं थे। बिल्कुल बांग्लादेश का रेडी हो सकता है क्या 2 मिनट में? बांग्लादेश का एमसीक्यू दे सकते हो 5 मिनट में, पीपीटी में? 5 मिनट भी नहीं हमारे पास, किससे अलग होता है पाकिस्तान स्टेट से? ये दोबारा है क्वेश्चन, तो इन्होंने दोबारा दे दिया हमें, तो ये फाइनली हमने एक चैप्टर खत्म कर लिया। कितने टाइम में दे सकते हैं भाई? तो तक मैं इधर उधर 2-4 मिनट बात कर लूंगा। बिल्लू भाई कितने मिनट में दे सकते हैं? दे दो फिर। हाँ तब तो कुछ पूछ लो इधर उधर की बात है। हाँ बच्चे, ऑनलाइन वाले तो बच्चे हमारे बहुत मतलब प्यारे हैं, वही हैं 10-12, लेकिन वो लगातार रहते हैं। तो ये कई बार तो नहीं रेगुलर हो पाते, उनका मैसेज आता है कि सर आपने कहा था कि एक ही टीचर रखना, हम आप ही को रखे हुए, प्लीज ले लिया करिए क्लास। मैं ठीक, हम लोग के फॉलोअर्स थोड़े कम होते हैं। हाँ कुछ क्वेश्चन वेश्चन पूछ लीजिए, इधर उधर के 5 मिनट बात कर लेते हैं। बुक हम आज ये फाइनली ये बच्चे अब मुझे हैंड ओवर कर देंगे, अब आज रात से या कल से अब मेरा रोल शुरू हो जाएगा। अगर जी आप लोग की तरफ से हो गया है, अरविंद जी आपकी तरफ से हो जाए तो एक प्रिंट पूरा मार के मुझे दे दीजिएगा, फिर एक एक करके हम शुरू कर लेंगे। अब हमारे पास बचा क्या है? मालदीव बचा है, मालदीव के बाद हमारे पास चाइना बचा हुआ है, चाइना के बाद और क्या बचा हुआ है? अफगानिस्तान तो हो गया है दोस्त विवेक, अफगानिस्तान हो गया ना, म्यांमार बचा हुआ है, चाइना बचा हुआ है और मालदीव, बस 3। मुझे लगता है आपका टाइम भी हो ही गया है, तो कल हम श्रीलंका अफगान सॉरी बांग्लादेश का करा लेंगे। क्या हो गया? कोई बात नहीं, आप दे दीजिए, हमें तो बस दिखाना है इन बच्चों को कि किस तरीके क्वेश्चन किए हैं और क्या है। आप एक ही पेज पे दे देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, हमें बस मेल कर दीजिए। हाँ नहीं, आंध्रा का हैदराबाद कहाँ है? हैदराबाद तो चला गया तेलंगाना के पास। हाँ एक तो आंध्रा ही नहीं है, ऊपर एक और प्रदेश शायद हिमाचल, उन्होंने भी 2 बना लिया। हाँ उत्तराखंड ने 2 बना लिया, जम्मू का 2 हो गया। तो ये मैं एक दिन पूरा टेबल वाइज ही देख लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ?
आप तो दो, तेलंगाना चला गया, उन तेलंगाना के पास चला गया, अभी भी तीन है। अच्छा आया नहीं दोस्त। अच्छा भारत के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है, 4096 किलोमीटर, 0.70। हाँ आ गया, कोई बात नहीं। तो ये हमने कर ही लिया, सबसे लंबा साझा किसके साथ करें, ऑप्शन वाइज भी वैसे भी कर लेंगे। थाईलैंड का तो ऑप्शन नहीं है, पाकिस्तान में बचा नहीं, इन दोनों में से एक इंडिया ही। बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा साझा करे थे, कल आपने पढ़ ही लिया था, 5। फिर अगला है कि सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा कर रहा था, तो पश्चिम बंगाल के साथ आपने पढ़ लिया, वो 2200 किलोमीटर के आसपास अकेले था इनके पास। सबसे छोटी सीमा किसके साथ साझा कर रहा था, तो मिजोरम, असम, असम था। यहां भले मिजोरम दे दिया लेकिन था तो असम ही, हमने जो पढ़ा था 263। और सबसे अधिक आबादी वाले देशों में बांग्लादेश किस मामले पर है? है कोई बात नहीं, देने दो, वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन हमने जो पढ़ाया है उसके हिसाब से, इस ऑप्शन वाइज 8वां आप बोल रहे हैं। क्षेत्रफल दृष्टि से बांग्लादेश विश्व में कौन से स्थान पर है? अब देखो ये उसमें था, हर देश जो जो मैंने पढ़ाया है कि कौन से पोजीशन पे है पॉपुलेशन वाइज और क्षेत्रफल वाइज, नोट्स में है ये, मैंने पढ़ाया नहीं था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ये पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें जो जो नेबरिंग कंट्री का मैंने दिया वो देखना होगा कि कौन से नंबर पे है पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज, वो नोट्स में है, सभी देशों का हमने दे रखा है। ये हमने पढ़ा ही था, सबसे बड़ा शहर कौन सा है, ढाका आपने पढ़ा था, सी पोर्ट के मामले में आपने पढ़ा था, चिटगांव या सिलहट, चटगांव, ठीक है आ ही गया। सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह तो कौन सा, चटगांव, ठीक है। पाकिस्तान और किसने बॉर्डर खींचा था, तो हमने पढ़ा था रेड क्लिफ ने। हाँ अच्छा, सब में रेड क्लिफ ही दिया हुआ है क्या, ओके तो ये अच्छी बात है, ये लिख लेना भाई, मतलब मैं गलत कर देता, ये मतलब मैंने इस चीज पे कभी ध्यान नहीं दिया कि उनका ओरिजिनल नाम क्या है, मैं रेड क्लिप ही लेके चला था, इन्होंने बुद्धिमानी की चारों रेड क्लिप ही दे दिया, तो ये आपको लिखना चाहिए, क्रिमिनल रेड क्लिप ऐसे याद करके रखना, हाँ तभी याद रहेगा, कुछ आप ट्रिक नहीं लगाएंगे लंबे समय में याद रहेगा ही नहीं। पूर्वी बंगाल के पहले मुख्यमंत्री कल हमने लिखवाया था, याद करो, मुख्यमंत्री भी और गवर्नर भी, और देखो इन्होंने पूछ लिया, हाँ तो मतलब आपको लग सकता है कि वहीं से आ रहा है क्वेश्चन, गवर्नर भी पूछ ही लिया, जबकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नाइनटीन सेवेंटी वन नहीं, भाषा और जातीयता के आधार पर तो हमने कल पढ़ा दिया था बांग्लादेश, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने कवर कर लिया। बांग्लादेश द फोर्थ, तो ये फाइनली टॉपिक है, और आपको खुशी हो सकती है कि लगभग वहीं से क्वेश्चन मिल जा रहे हैं हमें। तो चलिए अभी के लिए यहीं रखते हैं, कल मालदीव भी खत्म हो जाएगा, और कौन सा छोटा सा देश बता रहे हैं, मालदीव और म्यांमार कल दोनों खत्म हो जाएंगे, चाइना वाले में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसको कल डिटेल पढ़ें, परसों पढ़ लेंगे, संडे को तो आप पढ़ते नहीं हैं, सैटरडे आप कल पढ़ लेंगे, चलिए ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट दोस्तों।